अफगानिस्तान शंघाई तावन तंजीम इजलास में शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान ने खुद मना किया आने से, ना किया कि नहीं हमने नहीं आना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। So this country is not where we are going to deal with it. मतलब this is what they are thinking, they have been doing and acting, मतलब वो कर रहे हैं। इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना, पाकिस्तान पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है। इसमें मैं 100% इस पर ट्रस्ट करता हूँ और वो समझते हैं कि दैट इज द बेस्ट पॉलिसी, कि बात ना करो, इंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो और ये चीजें करो। हम चाहते हैं कि अमन रहे, सकून रहे और खैरियत के साथ एससीओ मीटिंग हो जाए, लेकिन बहरहाल एससीओ मीटिंग के ऊपर ये खतरे के बादल मंडला रहे हैं और बार बार यही दिखाई दे रहा है कि एससीओ की मीटिंग जो है हमें स्मूथली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इन्होंने इस मीटिंग को लेकर तमाशा बना के रख दिया है। कभी कोई कोई बयान देता है, कभी कोई कोई बयान देता है, पता नहीं ये मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं। कुछ समझ यानी कोई बंदा थोड़ी अकल से भी काम ले लेता है, डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज कह रहे हैं तो आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। अच्छा मर्जी है तड़ी, वो तो अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, बाहर वालों को तो जरूरत ही नहीं। भाई बता दो, PIA के इस्लामाबाद में ऑफिसेज 3 days तक क्लोज रहेंगे। किसी कंट्री में ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस हो और आप अपनी एयरलाइंस के ऑफिसेज बंद कर दें? सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। देखिए हम साया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में जरूर है, लेकिन ये कह देना के जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, एसईओ की मीटिंग होने में अब सिर्फ 2 दिन का ही समय रह गया, लेकिन कोई भी देश के डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान में विजिट के लिए भी नहीं पहुंचे, ठीक है। इसी के साथ साथ एसईओ में ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर अफगानिस्तान तालिबान को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि पाकिस्तान में हम मीटिंग अटेंड करने ही नहीं जाएंगे। जिसको भी तालिबान अफगानिस्तान के साथ मीटिंग करनी है वो किसी और देश में मिले या हमारे ही देश में आ जाए बगल में। तो 2 दिन बाद मीटिंग है, अभी न कह रहा कोई भारत की डेलीगेशन भी अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि अभी कल के दिन ही इतने भयंकर हमले हुए कि 20-22 पाकिस्तानी 72 रूपों को पहुंच गए, और इस सिचुएशन में कोई डेलीगेशन कैसे ही पहुंचे भाई। देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है, पुतिन साहब पहुंचते हैं, जिनपिंग जी पहुंचते हैं, या फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और क्या पता कोई ही ना पहुंचे भाई। जिस तरीके के सिक्योरिटी हालात है, कब कौन कहां कैसे फट जाए कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तानी सेना तो दिखावटी की है, ये तो मिनट से पहले घुटने टेक देते हैं आतंकवादियों को, देखेंगे कहेंगे बस भाई जो करना है कर लो, पैंट भी हम खोल देंगे। ये इस तरीके की आर्मी है तो कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो खराब हो। अब ये चीजें जो है ये इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि जी ये हमसाया मुल्क कौन सा है जिसकी मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दें, इसकी हमें क्लैरिफिकेशन दें। अब क्योंकि मिनिस्टर साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क, अब हमसाया में कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट है, अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है, कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही हैं, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही हैं, वो तो इंटरनल मसला है। लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ने कह दिया कि हमसाया मुल्क, तो इससे वो देखिए हमसाया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में जरूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, वो कहता जी क्लैरिफिकेशन दें। अब हुकूमत नहीं इन बातों पर क्लैरिफिकेशन मांग सकती ना, उन्होंने कौन सा नाम लिया है इंडिया का? इंडिया का नाम थोड़े लिया है, हमसाया मुल्क का है, हमसाए तो हमारे 4 हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें, ठीक है। अब ये एक टेंशन बनी हुई है, अच्छा ये कोई इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं है, बट फॉर अ मोमेंट क्योंकि कॉन्फ्रेंस आ रही है, इंडियन मीडिया ने कवर करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडियन मीडिया से कोई आ रहा होगा। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया तो क्या था, मुझे याद है एससीओ के लिए गोवा में पाकिस्तानी मीडिया पहुंचा था वहां पे और गया था, लेकिन देखना यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो आता है या नहीं आता, या किस तरह आता है, क्या करता है। और इस्लामाबाद में तो स्पेस ही नहीं होनी, देखिए तकरीबन इतने मुल्कों के 8-9 मुल्कों के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उसके बाद डिग्निटीज़ आ रहे हैं, बड़ा जैम पैक है इस्लामाबाद अगले 3 दिन, ठीक है। होटल्स में कोई आम बंदे को रहाइश नहीं मिल सकती वहाँ पे,
दो ही तो इंपॉर्टेंट होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे रह सकते हैं लोग। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब उसी सरीना होटल में रहेंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग। सोच समझ, यानी कोई बंदा थोड़ी अकल से भी काम ले लेता है, डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज कह रहे हैं, तो आपको डिप्लोमेसी नहीं आती? अच्छा, मर्जी है तुहाडी, वो तो अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, बाहर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं। भाई बता दो, PIA के इस्लामाबाद में ऑफिसेज 3 डेज तक क्लोज रहेंगे। किसी कंट्री में ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस हो और आप अपनी एयरलाइंस के ऑफिसेज बंद कर दें? सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। 3 दिन तक PIA के ऑफिसेज ही बंद रखने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद में ऑफिसेज 14 से 16 अक्टूबर तक क्लोज रहेंगे। PIA के ऑफिसेज शंघाई तामुन तंजीम कॉन्फ्रेंस की जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसकी वजह से क्लोज रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो मतलब एक SCO करवानी है तो उसके ऊपर पूरा मुल्क बंद कर दिया आपने। बातें टके टके की करते हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया पूरी दुनिया के बड़े से बड़ा समिट और डेलीगेशंस बुला कर ऐसी समिट्स करवाता है जिसके अंदर दुनिया की सुपर पावर्स के लीडर्स होते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे जाता है और जॉर्जिया मेलोनी से लेकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े से बड़ा लीडर, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर होते हैं और कोई चिड़िया भी पड़ नहीं मारती दिल्ली में जब ये हो रही होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, और कोई वहाँ पर इदारा बंद नहीं हुआ होता, ना उनकी एयरलाइंस बंद होती हैं और ना कोई और। तो इधर आपने एयरलाइन उठा के दफातर बंद कर दिए, चलें ठीक है, वो जाहिर है आप देख ही रहे हैं ना। ओके, जाहिर है कि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के हालात से पाकिस्तान का, फिर हम क्या करें। मैं आपको एक वाक्या बता रही हूँ, ये अभी हुआ है और बहुत कंडेम करने वाला, बड़ी दर्दनाक वाक्या। एक तरफ SCO होने जा रही है और उससे पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, एक और, एक नहीं एक और। ये एंड अब देखना ये है कि द क्वेश्चन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो मिनिस्टर साहब ने बात की है उन्होंने तो रस्मन बात की, क्योंकि इंडिया भी आए रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है, तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखें इंडिया नहीं चाहता कि पाक देखें। अच्छा, दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया मेन पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो। अगर आपको याद हो पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग, अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना। सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, वाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान, इससे तो पाकिस्तान की एक नॉर्मल आउटलुक नज़र आएगी। देखिए, आपका जो एडवर्सरी है उस एडवर्सरी ने आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो एट द मोमेंट उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते, सो दिस कंट्री इज नॉट वेयर वी आर गोइंग टू डील विद इट। मतलब दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दे हैव बीन डूइंग एंड एक्टिंग, मतलब वो कर रहे हैं। इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना पाकिस्तान को, इंडिया की जो पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है, इसमें मैं 100% इस पर ट्रस्ट करता हूँ। और वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि बात ना करो, इंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो और ये चीज़ें करो, कश्मीर इशू पे बात नहीं करनी, टेररिज्म की एलिगेशंस हैं जो कॉन्टीन्यूसली लग रही हैं, क्रॉस बॉर्डर अटैक एंड स्क्रमिशेस रुक गई हुई हैं बिकॉज ऑफ LOC के ऊपर वो जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इट्स स्टिल दे बिलीव कि ये हम करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके की पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी है पूरी दुनिया जानती है कि जान हथेली पे लेके पाकिस्तान जाओ, डेली के बेसिस पे 20-25 लोग पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के शिकार हो, और आतंकवादी मतलब कि जहाँ चाह रहे हैं वहीं पे विस्फोट कर रहे हैं, क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर, क्या कराची, क्या कोई सा भी सिटी हो यार पाकिस्तान, हर जगह आतंकवादियों की पहुँच है। जैसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार इन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ पाला था, अब इन आतंकवादियों को नस नस पता है पाकिस्तानी आर्मी की और पाकिस्तानी लोगों को, ठीक है, इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइज करके अपने ही देश में धमाके करवा देते हैं, कहते हैं भाई ये तो गैर इस्लामिक है, इनके पास जाके फटोगे 72 रूपए मिलेंगी, तो ऐसा क्या पाकिस्तान में आपको नहीं पता होगा, लेकिन 90% मौलाना आतंकवादी है और वो आतंकवादी माइंडसेट भर चुके हैं करोड़ों पाकिस्तानी के अंदर थ्रू मदरसा। अब भाई जिस देश में 70% लड़के मदरसे के थ्रू पढ़ते हो, और मदरसा सिस्टम क्या है आपको पता ही है, पूरा का पूरा आतंकवादी बनाने का जड़ है मदरसा। वहाँ पढ़ाया जाता है कि अगर ये काफी है इनको कन्वर्ट कर दो, इनको किसी तरीके से इस्लाम में ले आओ तो जन्नत की है, ये मिलेंगी तुम्हें जन्नत में, शराब मिलेगी, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें नेमत देंगे,
तो मतलब यार ऐसी ऐसी चीजें, आतंकवादी वाला हिंदुओं को कन्वर्ट करोगे तो ऐसा, क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर दोगे मुस्लिम में तो ऐसा, तो ये सारी चीजें ये 5 साल से लेकर 25 साल तक मदरसों में पढ़ाई जाती है। क्रिश्चियन के पास फट जाओगे, क्रिश्चियन को खत्म कर दोगे तो ये अल्लाह ताला देंगे, हिंदू को खत्म कर दोगे तो ये देंगे अल्लाह ताला, ये सारी चीजें 5 से 25 साल तक पढ़ाई जाती है मदरसे। इसीलिए फटफट आ रहे हैं पुतिन भाई ठहरे गैर इस्लामिक, जिनपिंग ठहरे गैर इस्लामिक, जयशंकर साहब गैर इस्लामिक, क्या पता कोई मदरसा से प्रेरित होकर फट जाए इनके आसपास, तो गारंटी नहीं है ना।